तो पढ़ेंगे आज हम जीरंड फ्रेज। जीरंड क्या होता है? वी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऐसा रूप जब आपको दिख जाता है किसी सेंटेंस में तो ये जीरंड कहलाता है, और ये नाउन के जैसे काम करने चाहिए। तो नाउन के जैसा काम करना चाहिए तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे मिलना चाहिए। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन के जैसे काम करे और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर मिले सेंटेंस में, तो इसे कहेंगे ये जीरंड फ्रेज है। लेकिन इसके साथ ग्रुप ऑफ वर्ड भी होने चाहिए। जैसे एक ग्रुप ए जीरंड फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ जीरंड वी वन प्लस आईएनजी मॉडिफाइज एंड अदर रिलेटेड वर्ड लिंक्ड टू ए जीरंड। तो एक जीरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और इसके साथ कोई मॉडिफायर या इसके साथ कुछ रिलेटेड वर्ड हो सकते हैं, और ये मिलकर फ्रेज का काम कर सकते हैं, तो कहलाएंगे जीरंड फ्रेज। ए जीरंड फ्रेज फंक्शन एज ए नाउन इन ए सेंटेंस। तो ये सेंटेंस में नाउन के जैसे काम करता है, और नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, और ध्यान रहे इसके साथ विद मॉडिफायर, इसके साथ कुछ मॉडिफायर लिखा होगा, यानी कुछ इसकी मीनिंग में ऐड करने वाले शब्द भी लिखे होंगे। जैसे लिखा है कि स्विमिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ। अगर हम स्विमिंग साथ एवरीडे लगा दें तो एवरीडे और स्विमिंग, तो स्विमिंग में देखो आईएनजी लगा हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है, तो ये हो गया जीरंड। और ये वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट को यानी जीरंड को क्वालिफाई करने वाला एक वर्ड है एवरीडे, यानी एडवर्बियल फ्रेज है जो टाइम को बता रहा है। तो ये जो पूरा स्विमिंग एवरी डे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका बिल्कुल इस वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, यानी नाउन के जैसे काम कर रहा है, तो ये कहलाएगा आपका जीरंड फ्रेज। ठीक है, तो ये जरूर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन यही तरीका है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, प्रैक्टिस में लेते लेते, बार बार सुनते समझते में आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, ऐसे अगला है कि आई वुड नॉट रिकमेंडेड रीडिंग बुक इन दिस इन द डार्क। कह रहे मैं ना अंधेरे में किताब पढ़ना बिल्कुल मतलब पसंद नहीं करता, या उसके लिए तैयार नहीं हूं, या तैयार नहीं होता। तो यहाँ पे देखोगे कि ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है, और ये लिखा हुआ है रीडिंग, तो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये जीरंड हो गया। बुक इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और इन द डार्क एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो पूरा ये जीरंड से शुरुआत है और यहाँ पे एंड है, तो पूरा जो जीरंड से शुरू हो रहा है और इसके साथ जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें ना तो सब्जेक्ट है, ना हेल्पिंग वर्ब या ना मेन वर्ब है, तो पूरा ही जो पीछे का हिस्सा ही आपका क्या कहलाएगा? जीरंड फ्रेज। ठीक है, क्योंकि इसमें जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से शुरुआत हुआ है। ठीक है, ऐसी लिखा है आई एंजॉय, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। तो आई एंजॉय लिसनिंग टू द म्यूजिक, तो लिसनिंग जीरंड हो गया, और इसके पीछे यहाँ पे जो टू द म्यूजिक है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो यहाँ पर ये जीरण से शुरू हो रहा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी शुरू हो रहा है, तो इतने हिस्से कह देंगे ये जीरण फ्रेज है। ठीक है, तो एज ए नाउन एज ए ऑब्जेक्ट, तो है ये नाउन और इस समय इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ऐसे ही स्टार्टेड राइटिंग द लेटर, तो ये भी आपका राइटिंग द लेटर क्या है? जीरण फ्रेज। ऐसी वॉकिंग इन द सन इफेक्ट द कॉम्प्लेक्शन ऑफ ए पर्सन, तो यहाँ पे जो वॉकिंग इन द सन है ये वर्ब को पहले आया है तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, और इसमें नाउन की तरह ये यूज हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो ये जीरंड है, तो इसे कहेंगे जीरंड फ्रेज। तो ये पूरा यहां से आता है, जीरंड फ्रेज है। ऐसी क्राइंग ऑफ बेबी डिस्टर्ब मी अलॉट, तो ये भी यहाँ पे वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में ये नाउन के जैसे काम कर रहा है, तो इसको कहेंगे जीरंड फ्रेज। ठीक है, तो जीरंड फ्रेज आपको जरूर समझ में आएगा, आप वीडियो को एक दो बार देखिए। ठीक है।